दोस्तों मैं हूं इस टाइम ऑटो एक्सपो 2020 में फोर्स ऑटो के पवेलियन पर, जहां पर इन्होंने अपने जो इनका सबसे फेमस गाड़ी है, इनकी ट्रैवलर जिसको कहा जाता है, जो काफ़ी पसंद किया जाता है छोटे ग्रुप में, 15 से 20 लोगों के ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे, तो काफ़ी इसको पसंद किया जाएगा, अफोर्डेबल ऑप्शन भी रहती है। इसी चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए कंपनी इसके इलेक्ट्रिकल वर्जन को भी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा गया है ई ट्रैवलर। ऑफिशियली जो इसका लिथियम बैटरी पैक है उसके बारे में कंपनी अभी कुछ नहीं बता रही, बट अनऑफिशियली बात करने पर उन्होंने कहा कि इसमें 80 किलोवाट आवर का लिथियम बैटरी पैक रहेगा। जो मोटर पावर है 120 किलोवाट की रहेगी और रेंज 160 किलोमीटर की कंपनी क्लेम कर रही है। मींस ये इंटरसिटी यूसेज के लिए ज़्यादा अभी इस्तेमाल किया जाएगा, लॉन्ग रेंज के लिए अभी नहीं इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलकर इसका एज पर अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो लॉन्ग रेंज पर भी कंपनी काम करेगी, वो भी उसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ये तो है इस ई ट्रैवलर, इसके अलावा ये सेम उसी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ जिसका इसका नॉर्मल डीजल पावर जो ट्रैवलर है, लेकिन इसके अलावा एक नया प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जिसका नाम रखा गया T1। उस पर भी एक इन्होंने एक नया ट्रैवल बनाया है जिसको वो प्रीमियम क्वालिटी कैटेगरी सेगमेंट में ये आता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक बार कोशिश करते हैं इसको अंदर से देखने की। ओवरऑल अंदर से बाहर से देखने में आपको ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अगर बैजिंग से ही पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक है। डैशबोर्ड की बात करें तो डिजिटल टच बहुत कम है, एनालॉग्स ही आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको CCTVs भी लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी रहेगा। ये अच्छी बात है कि फोर्स मोटर्स जैसी कंपनीज भी इलेक्ट्रिकल वर्जन पर काम कर रही है, वहीं भारत की ऐसी कुछ ऑटो कंपनीज जो उनका मार्केट शेयर बहुत बहुत ज़्यादा है फोर्स के मुकाबले, लेकिन अभी तक वो हाइब्रिड से आगे नहीं बढ़ पाई है। मैं यहाँ होंडा मोटर्स और टोयोटा की बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी सीख उनको फोर्स मोटर्स से लेनी चाहिए। तो यहाँ थम्स अप है फोर्स मोटर के लिए और थम्स डाउन है होंडा और टोयोटा जैसी कंपनीज के लिए। इवन इन लोगों ने ऑटो एक्सपो में शामिल होने की भी नहीं इनको रिक्वायरमेंट महसूस हुई है। सीधी सी बात है कि इनके पास फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा R&D पर खर्चा नहीं करना चाहती है ये कंपनीज। तो आज के लिए इतना ही, वीडियोज अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।